ऑलराइट गाइस, सो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देख ली। हम लोगों ने फाइल्स को देखा, किस तरह से हैंडल करते हैं पीएचपी में। अपाचे सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ अपना, यहाँ पर आप लोग भी कर लेना अपना अपाचे सर्वर स्टार्ट अगर आप लोगों ने नहीं किया है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपनी पीएचपी की ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट खोलूँगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रखने वाले हैं 37files.php। और यहाँ पर पीएचपी जो है इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि फाइल्स को राइट किस तरह करना है पीएचपी में। तो ये जो फाइल मैंने बनाई है ना अभी 37files.php, उसको आप लोगों को एक्सेस करना है यहाँ से। तो ये जो इंडेक्स वाला जो मैंने इसको बुकमार्क करके रखा हुआ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। खोलो, अभी इस फाइल में कुछ नहीं है, चाहो तो वेलकम लिख के देख लिया करो एक बार कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ राइट फाइल्स इन पीएचपी, उप्स मैंने यहाँ पर गलती से इसको कमेंट आउट कर दिया। अभी मैं इसको अगर इस तरह से करूँगा तो यहाँ पर एको हो चुकी है ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर राइट कैसे करते हैं फाइल्स को, सबसे पहले रीड कैसे किया था फाइल्स को। माई फाइल डॉट टी एक्स टी को रीड करने के लिए मैंने सबसे पहले अपना फाइल पॉइंटर बनाया था, वो यहाँ भी बनाना पड़ता है। कहते हैं ना कि मान लो एक बहुत बड़ा सा मॉल है, ठीक है, मैं एक बहुत अच्छी एनालॉजी दे रहा हूँ, मेरे दिमाग में आई है। एक बहुत बड़ा मॉल है, उसमें खाना भी मिलता है, उसमें मूवी भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सबसे पहले टोकन लेना पड़ता है कि भाई टोकन वहाँ पर मिल रहा है जिस चीज़ का लेना है। मूवी का भी है टिकट वहाँ पर, खाने का भी टोकन एक जगह पर है, कोई चीज़ खरीदनी है उसका भी टोकन एक जगह है। तो टोकन ले लो पहले, चाहे आपको डोसा खाना है, आपको मैगी खानी है, चाउमीन खानी है, जो भी खाना है उसका टोकन लेके आओ पहले काउंटर से। टोकन लेके फिर वो टोकन दे के देगा। तो ये जो टोकन है ना वो ये फाइल पॉइंटर समझ लो उसको कुछ ऐसा। तो यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया फाइल पॉइंटर अपना, और यहाँ पर मैं माई फाइल टू के नाम से एक फाइल बनाऊंगा क्योंकि माई फाइल तो यही है। और यहाँ पर मोड को राइट कर दूंगा, डब्ल्यू कर दूंगा मोड को। और एक बार मैंने मोड को डब्ल्यू कर दिया, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। उप्स, मैंने इसको रन नहीं करना है, मैंने इसको यहाँ से रन करना है, सॉरी, ये एक पाइथन प्रोग्राम नहीं है, मुझे इसको यहाँ पर रन करना है। देखो मैंने जैसे ही इसको ओपन करने की कोशिश करी ये ऑटोमेटिकली बन गई, ये तो थी ही नहीं, ऑटोमेटिकली बन गई। जैसे ही आप पीएचपी में किसी भी फाइल को राइट मोड में खोलोगे वो ऑटोमेटिकली आपकी बन जाएगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो ना बने। माई फाइल थ्री अगर मैंने कर दिया यहाँ पर और इसको मैंने रन किया तो ये फाइल देखो माई फाइल थ्री भी बन गई है, ठीक है। तो अगर माई फाइल दस बनाओगे 10 की 10 बन जाएंगी, पूरा फोल्डर भर जाएगा अगर इसको रिलोड करते रहोगे अलग अलग फाइल नेम के साथ। अब यहाँ पर हमने माई फाइल 3.txt जो है, मैं काम करता हूँ वापस से माई फाइल 2 पे आ जाता हूँ और ये माई फाइल 3 को कर देता हूँ डिलीट, रीनेम नहीं डिलीट, उड़ा दी मैंने ये फाइल, ठीक है। मैं अब करना क्या चाहता हूँ, मैं राइट करना चाहता हूँ, और जैसे एफ रीड होता है ना वैसे एफ राइट होता है। बहुत ही अच्छा प्यारा सा सिंटेक्स है पीएचपी का, एक बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज बोलता हूँ इसलिए इसको मैं। तो आप एफ राइट का इस्तेमाल करके पहला आर्ग्यूमेंट दे दो फाइल पॉइंटर उसको, और आप लोग दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या दोगे उसको, दूसरा आर्ग्यूमेंट आप लोग वो दे दो जो लिखना चाहते हो उसमें। तो मानो मैं लिखना चाहता हूँ दिस इज़ द बेस्ट फाइल ऑन दिस प्लैनेट, प्लीज डोंट आर्ग्यू विद मी ऑन दिस वन, ठीक है। तो मैं सेव करूँ अगर इसको, सेमीकोलन लगा लूँ। अब ये एक ही लाइन है, यहाँ पर मैंने वर्ड रैप ऑन कर रखा है, अगर आप लोग जो है वर्ड रैप को ऑफ कर दोगे तो ये जो है यहाँ पर आपका स्क्रॉल बार आ जाता है, तो वो भी कर सकते हो आप। लेकिन मैं वर्ड रैप को ट्यूटोरियल एटलीस्ट बनाते समय मैं इसको ऑन ही रखता हूँ, ठीक है। इसको मैंने रिलोड किया और यहाँ पर देखो अब मैं माई फाइल जो मेरी 2.txt थी उसके अंदर ही कंटेंट आ चुका है। तो मान लो मैंने ये कंटेंट लिखा, अब अगर मैं इसको रिलोड करता रहूँ 10 बार, मैंने इसको 10 बार रिलोड कर दिया, 10 बार मैंने इसको रिलोड कर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे नीचे कमेंट में एक गैस करके बताओ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको आता हो पहले से, मैं बस चाहता हूँ कि एक आपका इनिशियल गैस क्या कहता है, क्या होगा कमेंट में अगर आप लोग मुझे बताओ तो मैं फिर आप लोगों को दिखाऊंगा क्या होगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या होगा। जो ये राइट है
ये सिर्फ एक बार राइट करेगा इस लाइन को, और आप लोग सोचोगे यार 10 बार रिफ्रेश किया, एक बार क्यों राइट किया इसने, तो मैं इसका भी फंडा आपको बताता हूँ इसने एक बार क्यों राइट किया। और यार ये सारी की सारी फाइलें जो है बंद कर देता हूँ, तो क्लोज अदर्स कर देता हूँ पहले, और फिर ये माई फाइल 2.txt खोल लेता हूँ। तो होता क्या है, जब आप राइट मोड में किसी भी फाइल को खोलते हो, तब अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो बन जाएगी, अगर एग्जिस्ट करती है तो उसमें जो भी कंटेंट डालोगे वो ओवरराइट हो जाएगा, लिटरली ओवरराइट हो जाएगा, वो सारा कंटेंट आप खो दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 37files.php, ये इसको मैं एक बार रन करूँगा फाइल को, तो क्या होगा कि ये कंटेंट मेरा माई फाइल 2 में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर वापस से लिख दूँ दिस इज अनदर कंटेंट, और अगेन आपको फाइल को क्लोज करना है, करना है, करना है, करना ही है। ठीक है, और वैसे भी जो उप्स मैं यहाँ पर कभी कभी इसको पाइथन या नोट जैस समझ के ऐसे रन कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो ये कह रहा है क्लोज, ओके मुझे फाइल पॉइंटर भी देना पड़ेगा, इसको जादू से ना पता चलेगा कौन सी फाइल को बंद करना है, हो सकता है 10 फाइल्स खोल रखी हो। अब अगर मैं इसको रेप्लीकेट करूँ, आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख दूँ दिस इज अनदर कंटेंट, तो क्या होता है ना कि एक बार आपने फाइल को ओपन किया, तब अगर वो मौजूद है तो राइट मोड में वो खाली हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद आप एफ राइट को अगर 10 बार भी करोगे ना रन, तो वो बार 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 ये सब राइट कर देगा उसमें फाइल में। जैसे कि मैं आप अगर आप लोगों को अभी दिखाऊं इसको रन करके, और अब आप लोगों को ये फाइल दिखाऊं, तो देखो इसने ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें डाल दी हैं, दिस इज अनदर कंटेंट भी इसने डाल दिया है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर मान लो मैं इन दोनों को इस तरह से कमेंट आउट कर दूं, और अब रन करो इस फाइल को, तो देखो कि ये फाइल खाली हो चुकी है। यानी कि जब आप राइट मोड में द मोमेंट आप इसको खोलोगे, उसी क्षण में क्या होगा, ये खाली हो जाएगी अगर एग्जिस्ट करती है तो, नहीं एग्जिस्ट करती है तो बन जाएगी। और उसके बाद आप जितने भी एफ राइट को रन करोगे उतनी बार कंटेंट आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक तीसरा भी डाल दूँ ना FPTR दिस इज अनदर कंटेंट 3, और मैं यहाँ पर बैकस्लैशन कर देता हूँ ताकि एक क्लैरिटी बन जाएगी भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या कंटेंट राइट कर रहे हैं। इसको रिलोड किया माई फाइल 2 में, देखो जितनी बार मैं एफ राइट इसको करूँगा तब तक क्या होगा कि यहाँ पर आप लोग देखो ये जो है होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, एक तरह से राइट करते जाएंगे हम इसमें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक फाइल को जैसे ही राइट मोड में खोला, मुझे क्या मिला, वो फाइल को खाली कर देगा अगर एग्जिस्ट करती है, और अगर नहीं एग्जिस्ट करती है तो बन जाएगी। उसके बाद मैं जितनी बार एफ राइट लिखूंगा तब तक ये कंटेंट राइट करती जाएगी फाइल में। तो ये द राइटिंग टू अ फाइल। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ पर राइटिंग टू अ फाइल इन PHP लिख देता हूँ, और अब मैं क्या करूँगा ना यहाँ पर इसको क्लोज, तो क्लोज भी हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा अपेंडिंग टू अ फाइल इन PHP। अब देखो हमने एक बड़ी प्यारी सी फाइल बना ली है, इसमें इतना सारा कंटेंट है। मान लो आप कुछ लॉग फाइल टाइप का बनाना चाहते हो, जहाँ पर आप लोग कुछ ऐसा करना चाहते हो कि आपकी जो फाइल है उसके एंड में कंटेंट ऐड हो जाए, जो भी आप करना चाहो, तो इसमें आप क्या करोगे, इसको अपेंड मोड में खोल लोगे। और अपेंड के लिए ए लिखना होता है आपको, ए का मतलब अपेंड, अपेंड मोड में आपकी फाइल खुल जाएगी। इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पर देखो इस फाइल में क्या कंटेंट है, अभी आप इसको देख लो। और अपेंड मोड में अगर मैं एफ राइट चलाऊँगा तब क्या होगा, आप लोग देखो खुद ही, इसके एंड में दिस इज बीइंग अपेंडेड टू द फाइल। और वैसे एफ क्लोज की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि PHP स्क्रिप्ट जब आपकी ख़त्म हो जाती है तो एफ क्लोज चल जाता है, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस आप लगा कर रखो एफ क्लोज को, ताकि बाद में कुछ अगर करना चाहो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी फाइल क्लोज हो चुकी है। तो मेंटेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है एफ क्लोज लगाना। इसको रन करूँगा एक बार, और देखो फाइल का क्या कंटेंट हो गया, दिस इज बीइंग अपेंडेड टू द फाइल लिख कर आ गया यहाँ पर। एक बार और रन करूँगा इसको, ये देखो दिस इज बीइंग अपेंडेड टू द फाइल फिर से आ गया है। एक बार और रन करूंगा इसको, ये देखो दिस इज बीइंग अपेंडेड टू अ फाइल। तो अपेंड का क्या मतलब है, अपेंड का मतलब है कि अंत में जोड़ देना, तो ये अपेंड करने से अंत में जोड़ देगा। तो आई होप कि ये अंत में किस तरह जोड़ रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा।
लेकिन राइट मोड में आप लोग याद रखना, आपकी फाइल पूरी ओवरराइट हो जाती है, तो जो भी डेटा उसके अंदर है वो आप खो देते हो, तो राइट मोड जो होता है वो ओवरराइटिंग कर देता है। ये चीज़ की समझ आपको होनी चाहिए, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट गाइस, सो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ये PHP की जो प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको काइंडली ज़रूर एक्सेस करना, और आप लोग शुरू से अगर देखोगे इस प्लेलिस्ट को, इस कोर्स को स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको फ़ायदा होगा। थोड़ा टाइम लगेगा आपको क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है, इवन इतना बेसिक से कि मैंने वेब डेवलपमेंट का 101 भी बताया कैसे काम करती है वेबसाइट, तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पूरा करने में। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आपने पूरा कर दिया तो मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट्स के थ्रू और एक्सरसाइजेस के थ्रू इतना कॉन्फिडेंस तो दिलवा दूंगा कि आप लोग कभी भी PHP में अपनी लाइफ में नहीं फंसेंगे। सो गाइस, ये थी हमारी PHP में फाइल रीडिंग और राइटिंग। आपको समझ में आ गया होगा क्या राइट मोड और अपेंड मोड में डिफरेंस है। सारा का सारा सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, बट उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद टाइप करो, टाइप करके अगर करोगे काम तो ज़्यादा सीखने को मिलेगा। सो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ये प्लेलिस्ट यहाँ ऊपर क्लिक करके बुकमार्क और नीचे क्लिक करके सेव भी कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।